यह दो रंगों का पिंक ब्लू के कॉम्बिनेशन में बहुत ही इजी डिजाइन, दो और चार फंदों की बुनाई, बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा और सुंदर स्लीपिंग बैग। इसकी चौड़ाई भी काफी अच्छी है, यह 20 इंच चौड़ा और 34 इंच लंबा है। इसमें आराम से एक साल तक के बच्चे को आप सुला सकते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने टोटल 120 फंदे डाले हैं और चार उल्टे दो सीधों की बुनाई डाली है। 10-10 फंदों की है बॉर्डर पट्टी, चार फंदे उल्टे दो फंदे सीधे, चार फंदे उल्टे दो फंदे सीधे, इस तरीके से डाल लिए हैं। यह बहुत ही आसान और इजी बुनाई है। ये कोने के दो फंदे और चार फंदे हमारे डिजाइन वाले, दो फंदे जैसे कि बॉर्डर आप समझ लीजिए, धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे बुनेंगे। फिर से चार फंदे उल्टे बुनेंगे, दो फंदे सीधे बुनेंगे। यह चार फंदे उल्टे बुनेंगे, उल्टी सिलाई सारी उल्टी ही बुनेंगे, और यह दो फंदे कोने के, जिसे आप बॉर्डर पट्टी भी मान सकते हैं। एक दो तीन चार, चार पिंक्स करी है, एक दो तीन हुई है। अभी हम एक बार और बुनेंगे। यह बहुत सुंदर इजी बनने वाला स्लीपिंग बैग है। आप इसे कंबल की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बटन नहीं लगाएंगे, कैप की लुक नहीं देंगे, तो यह एक कंबल भी बन जाएगा। ये चार सिलाइयां हमारी हो गई हैं। अब हम इस साइड से कलर चेंज करेंगे। पूरी सिलाई को हम बुनाई करेंगे और राइट साइड से डिजाइन को चेंज करेंगे। यहां से अब डिजाइन चेंज करेंगे। पहला फंदा उतारेंगे। आप इस तरीके से हिसाब लगा दीजिएगा कि हमने अब इन वाइट राइट वाले फंदों पर ऊपर चार फंदे उल्टे करने हैं, तो दो तो हमारे ये राइट वाले हो गए और एक एक उल्टों में से लेंगे, तो ये चार हमारे उल्टे फंदे और इन दो फंदों को हम सीधा करेंगे। इसलिए यहां से अब ये पहले के दो फंदों को हम इन पहले के दो फंदों को उल्टा बुनेंगे, दो फंदे हमारे सीधे बुनेंगे, धागा अपनी ओर करेंगे, इन चार फंदों को उल्टा बुनेंगे, इन दो फंदों को सीधा बुनेंगे, चार फंदों को उल्टा बुनेंगे, ये हमारे कोने के फंदे। हमने क्या ध्यान देना है कि ये जो हमारे सीधे फंदे हैं, इनके ऊपर चार उल्टे फंदे आएंगे और इन चार उल्टे फंदों के बीच के दो फंदों को हम सीधा बुनेंगे। उल्टी साइड से हम रंग चेंज करेंगे और सीधी साइड से डिजाइन को चेंज करेंगे। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।